हेलो दोस्तों, स्वागत है सबको हमारे इसकी नई वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों मैं बताने वाला हूँ कीबोर्ड सेटिंग के बारे में। और आज की वीडियो दोस्तों मैं बताऊँगा आप अपने किसी भी फ़ोटो को या कोई भी इमेज को कीबोर्ड पे कैसे सेट कर सकते हो। दोस्तों आप अपनी कोई भी फ़ोटो जो कि कीबोर्ड पे सेट करना चाहते हो तो कैसे सेट कर सकते हो, आज की वीडियो में दोस्तों मैं बताऊँगा। तो चलो वीडियो शुरू करते दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने फ़ोन की सेटिंग ऑन कर लेना है। फोन सेटिंग ऑन करते दोस्तों आपको अपने सर्च बार पे क्लिक करके कीबोर्ड को शो कर लेना है। पहले तो दोस्तों कीबोर्ड शो होती है दोस्तों आपको इस तरीके इंटरफेस शो करेगा। सेटिंग वाले कीबोर्ड सेटिंग है जो दोस्तों इस पर क्लिक कर लेना और आपके जो कीबोर्ड सेटिंग है ऑन हो जाएगी। इसकी थीम आपको अगर चेंज करना चाहते हो यहाँ से तो सब थीम चेंज कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। दोस्तों काफ़ी सारी सेटिंग है यहाँ पे, वॉइस टैपिंग है, ग्लाइड टैपिंग है, आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। और ये टेक्स्ट करेक्शन है, ऑटो करेक्शन जो आपके जो मीनिंग है ऑटो, आप इसको यहाँ से ऑन ऑफ करके यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों आपको क्या करना है, थीम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। थीम पे क्लिक करते दोस्तों आपको क्या करना है, माय थीम पे क्लिक करना है। माय थीम पे क्लिक करते दोस्तों कोई भी इमेज ले लेनी है। अगर मैं ये वाली ले लेता हूँ, अगर ये फ्लावर वाली, तो दोस्तों आप इसको ऐसे ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा और आप देख सकते हो दोस्तों ये जो कीबोर्ड की जो ब्राइटनेस है आप इसको भी इंक्रीज़ और डिक्रीज भी कर सकते हो। ये देख सकते हो इसको ऐसे आपको एडजस्ट कर लेना है। तो मैं इसको 90 पे सेट कर लेता हूँ या 85, 80 ठीक रहेगा, 80 या 81 तक दोस्तों आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। राइट साइड जो कि इंक्रीज होएगा, लेफ्ट साइड ही डिक्रीज हो जाएगा। तो मैं 81 पे करके डन कर देता हूँ और आप देख सकते हो ये हो जाएगा। और इसको अप्लाई करोगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। देख सकते हो जो फोटो वाली कीबोर्ड है वो हमारे फ़ोन में इस तरीके से शो होगी। और हम इस तरीके से फोटो वाली कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं अपने गूगल के फ़ोन में। और अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो दोस्तों तो दोबारा से आपको थीम पे आना है और आपके पास ऑलरेडी कोई थीम है, आप यहाँ से डाउनलोड करके उसको लगा सकते हो। तो आप उसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हो अगर कोई फोटो चेंज करना चाहो तो। नेक्स्ट कर दें दोस्तों, सेम सेटिंग है दोस्तों, इंक्रीज़ कर लो ब्राइटनेस और अप्लाई कर दोगे तो चेंज भी हो जाएगी। और दोस्तों ये थीम ऐड भी होती रहेगी धीरे धीरे। आप फिर डायरेक्ट दोस्तों आपको सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप क्लिक करोगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। जैसे दोस्तों जो फोटो वाली कीबोर्ड है वो चेंज हो चुका है। तो ऐसे दोस्तों हम अपने कीबोर्ड पे फोटो लगा सकते हैं, कीबोर्ड पे फोटो चेंज कर सकते हैं अपने गूगल के फ़ोन में। चलो दोस्तों मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों आपके पास कोई भी डाउट हो अपने PC लैपटॉप को लेके या फ़ोन को लेके आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं हेल्प करूँगा आपकी। चलो दोस्तों मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।